गाइस एमजी रोड के लिए आपको राजीव चौक से चेंज करनी होती है, हुडा सिटी वाली लेन आपको पकड़नी होगी एंड देन एमजी रोड आप पहुंच जाएंगी। ये फिर ये गाड़ी चलाने वाला है छोटा मोटा, बताओ आप चलाओगी? तो आज हम लोग जा रहे हैं द वंडर्स कार्निवल और जो कि है गुड़गांव में, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी और पहुँचते हैं सीधा वहाँ। सो गाइज देखिए हमें जाना है एमजी रोड जो है आपका लास्ट से थर्ड स्टेशन, और पहुंच गए हम लोग एमजी रोड। अब हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना है, मतलब अगर आप एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पे उतरते हैं तो यहाँ से आपको ना 40 से 50 रुपए कहेगा कि कार्निवल के लिए इतने रुपए लगेंगे, बट यहाँ से किसी से भी आप पूछ लेना लोकल आइट से तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आई बिलीव आप 40 या 50 रुपए अपने वेस्ट नहीं करोगे और पैदल चल के बस आप पहुँच जाओगे। तो आई थिंक बस 2-3 मिनट का रास्ता, हम लोग भी वहीं के लिए चल रहे हैं। सो गाइज हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करी थी बट हमें फिर भी एक पास लेना होगा, तो बस वही लेने जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ तो सो गाइज मेला यहाँ से होता है शुरू, और अगर आज आप लास्ट डे पे जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज की टिकट मिलेगी, अदरवाइज सैटरडे एंड संडे में वही एंट्री टिकट हो जाएगी 300 रुपीज की, तो ऑब्वियसली राइड भी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो अगर आप आज जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्रांडेड सूट्स जो कि 600-500 की रेंज में मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे हैं विद दुपट्टा, तो आप अपने मतलब सिस्टर राखी आ रही है तो आप उनको गिफ्ट करने के लिए भी खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन से काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, एक ही स्टोर नहीं है बहुत सारी स्टोर्स है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो न्यूली स्टार्टअप्स हैं उन लोगों ने भी अपना बहुत ज़्यादा लगा रखा था, जैसे बैग्स एंड ऑल कैंडल्स वगैरह। बताओ चलाओगी? आओ चलो गाड़ी चलाते हैं, हमारे लिए अंतिम ही होगी। ये छोटे बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए है, ये मतलब हां इस वाले पे करते हैं पक्का। चलो ये बहुत डेंजरस होता है, हमें पता। सो गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बट अभी तक मैं कोई राइड नहीं ले रही हूं बिकॉज़ मम्मी को ऐसी हमें कोई भी बेसिक सी राइड नहीं मिल रही है जिसमें हम मम्मी के साथ जा सके। सो मम्मी को सारी राइड से बहुत डर है, मम्मी को स्टार्टिंग से झूलों से बड़ा डर है, तो आई थिंक ये वाला थोड़ा सा इजी रहेगा, तो शायद देखते हैं। मम्मी पहले सारी चीज़ें देख रही है, उसके बाद ही हम लोग कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि मम्मी के साथ कौन से झूले में बैठना है, बिकॉज अकेले तो मुझे भी डर लगेगा। मम्मी ये वाला झूला झूल सकती हो? कोशिश पहले देख लो कितनी तेज चलने वाला है। सो गाइस कैमल राइड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मम्मी के साथ तो बैठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन मेरी कमर जो उसके पीछे पे लग रही थी, बट एनी वेज बहुत ज़्यादा मज़ा आया कैमल राइड। चारों को छोड़ के नहीं जाएगा, राजस्थान चले चलो चलो चलो।
तो अब चलते हैं थोड़ी निशानेबाजी की तरफ। तो जिसका निशाना बहुत अच्छा है वो ये गेम खेल सकता है। तो इसमें आपको 5 बारी मिलती है, एक आई थिंक 100 रुपीज़ कुछ या 120 रुपीज़ कुछ में उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे आप वो खेल सकते हैं, बट अगर आपका बॉल्स वाला शॉट अच्छा है तो आप वो वाली गेम खेल सकते हैं। तो कैमल राइड है 100 रुपीज़ ईच, और अगर आपको सोलो तो गाइस आ जाते हैं आप अपनी फूड की तरफ, जो कि होता है कार्निवल या मेला में बहुत ज़्यादा फेमस। तो बहुत ही टेस्टी फूड्स था, हम लोगों ने छोले भटूरे खाए थे, तो बहुत ही टेस्टी था। एवरीथिंग थी वहाँ पे, पास्ता पिज़्ज़ा एंड ऑल सब कुछ था। गाइस ये झूला आ चुका है जो मम्मी गई थी, मैं झूलूंगी बहुत ईजी बहुत ईजी। भैया हालत बुरी हो जाती, मेरी तो हो ही जाती, मम्मी का तो गॉड नोज, लेकिन भाई रब्बा मैं तो मरी जाती इस झूले में। झूला झूलना भी बहुत हिम्मत की बात है जो शायद अभी मुझ में नहीं है। तो मम्मी ने पान के लिए मना कर दिया है, तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो बीच बीच में मैं अपनी ड्रेस के साथ भी बहुत ज़्यादा खेल रही थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घेरा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है सर्कल लेने में। एंड देखिए यहाँ पे सभी कुछ है, क्लिप्स एंड ऑल सब कुछ है। सोचिए वही वाले भैया दोबारा से आ गए हैं, तो बस अब हम लोग आगे और चलते हैं कि देखते हैं और हमारे लिए हमारे मतलब की क्या चीज़ मिल सकती है। और ये भैया जी ने तो ऐसी लुक दी थी तो पूछो मत ही, जैसे कि हमें जानते हो। और फिर ये अगेन फ्लॉन्टिंग माई ड्रेस। एंड आ जाते हैं अभी घर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, इसमें अपने प्लांट्स लगा सकते हैं इंडोर वाले, लाइट वेटेड वाले। और ये वॉल हैंगिंग है जो आप वॉल पे लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा अच्छा है। ये सूट की शॉप जो है ये 1000 रुपीज़ फिक्स प्राइस है भैया के, और काफ़ी अच्छे सूट्स हैं, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। प्लस आप अपना मुरब्बा चार एंड ऑल सब कुछ खा सकते हैं यहाँ से अगर आपको शौक है तो। बाकी हम लोगों ने यहाँ से लाइट्स वाला लिया था, क्योंकि हमने ऊपर सेटअप बनाया है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको सब कुछ है, क्रिसमस एंड ऑल, वुडन का हर तरीके का सामान, जो ग्लासेस का सामान होता है वो, प्लस आपको मतलब हर चीज़ मिलेगी डेकोरेशन के आइटम्स में। हर तो फ्रेग्रेंस के शौकीन यहाँ आ सकते हैं। प्लस इयररिंग्स एंड ऑल यहाँ पे 300 की थी, प्लस इन्होंने इनके पास 100 से स्टार्टिंग है, छोटे वाले जो आपको दिख रहे हैं ये जो अभी आपको दिखाएंगे 100 रुपीज़ से स्टार्ट है, और बाकी ये 500 300 400 की रेंज में है। तो ठीक है, मतलब क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इयररिंग्स, तो मुझे एक्सपेंसिव लगा ये। एंड इनकी शॉप का नाम है ये बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे, ये 100 150 के, ये तो बहुत छोटे हैं।